नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल्स टू एसी. साइड बीए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट एडी इज इक्वल्स टू एबी. शो दैट एंगल बीसीडी इज राइट एंगल. गिवन क्या है हमें? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. AB is equals to AC, ये भी given है और AD is equals to AB, ये भी given है. Proof हमें करना है कि angle BCD right angle है. Angle BCD is right angle. Proof. सबसे पहले ABC is isosceles triangle. AB is equals to AC. हमें ये दो sides equal given है. Triangle ली हमने ABC. AB के opposite angle ACB. AC के opposite angle ABC. Angles opposite to equal sides are equal. So angle ACB is equals to angle ABC. Reason देंगे. Angles opposite to equal sides are equal. इसे ले लेते हैं equation number 1. Now, अब हमें given है कि AD is equals to AB, but AB equal है AC के, AD AB के equal है AB AC के equal. It means ये तीनों sides equal है. AD is equals to AB equals to AC. Therefore, AD AC के भी equal होगी. Clear? तो in triangle ADC, AD is equals to AC. Now again, angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. तो इसके opposite AD, AD के opposite angle कौन सा आ गया? ACD. Angle ACD. और AC के opposite angle कौन सा आया? ADC. इसे equation मान लेते हैं 2. यहां तक clear? Now, अब अगर मैं देखूं, ये पूरा एक linear pair बन रहा है, तो कौन सा angle? Angle BAC plus angle CAD is equals to 180 degree linear pair. इसे देते हैं equation number 3. अब मुझे triangle की properties पता है. Exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. यही property होती है. अगर मैं triangle ABC लूँ, in triangle ABC, exterior angle कौन सा है? ABC में CAD, exterior angle is equals to sum of two interior opposite angles. इसके opposite angle ये दोनों, angle ABC plus angle ACB. Clear? और अगर मैं दूसरी triangle लेती हूँ ACD, ACD इसमें exterior angle this, CAB is equals to opposite angle this or this, ACD plus angle ADC. यही आए. लेकिन मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है ACB और ABC इक्वल है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगी. पहले यहां तक दोबारा बता रही हूं. सबसे पहले हमने क्या लिया? ट्रायंगल ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स AB और AC इक्वल है. वी नो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमने एंगल्स लिख लिए. नाउ AD इज इक्वल्स टू AB हमें गिवन है, बट AB इज इक्वल्स टू AC ये भी गिवन है. इट मींस तीनों साइड इक्वल है. AD इज इक्वल्स टू AC.
हमने ट्रायंगल एडीसी लिया, उसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये पूरा बन रहा है लीनियर पेयर, एंगल बीएसी प्लस एंगल सीएडी 180 इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की। एबीसी में एक्सटीरियर एंगल हो गया सीएडी इज इक्वल टू एबीसी प्लस एसीबी, एडीसी में एक्सटीरियर एंगल हो गया सीएबी और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हो गए एडीसी प्लस एसीडी। यहां तक क्लियर? यहां तक नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ट्रायंगल एबीसी लिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सीएडी इज इक्वल्स टू एबीसी और एसीबी इक्वल है, तो एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीबी यूज इक्वेशन 1। तो एंगल सीएडी हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एंगल एसीबी। मैंने सीएडी की वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो मैंने सीएडी की वैल्यू फाइंड की। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी ए सी की। तो अब हम दूसरी ट्रायंगल एसीडी लेते हैं, इन ट्रायंगल एसीडी एंगल सीएबी इज इक्वल्स टू एसीडी और एडीसी इक्वल है, तो एसीडी प्लस एंगल एसीडी 2 टाइम्स एंगल ए सी डी, तो ये वैल्यू आ गई सी ए बी की। इसे इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, यूज इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे एंगल बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू या सी ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी डी प्लस 2 टाइम्स एंगल ए सी बी 180 डिग्री, 2 कॉमन आ गया, ए सी डी प्लस ए सी बी 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। अब हम देखते ए सी डी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए सी बी ये वाला एंगल, तो कंप्लीट एंगल कौन सा बन गया, बी सी डी। सो बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बी सी डी इज राइट एंगल। तो बी सी डी हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल बन गया बी सी डी हमारे पास। क्या किया था हमने, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, एबी इज इक्वल टू ए सी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये कंप्लीट लीनियर पेयर बन रहा है, हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, वो प्रॉपर्टी यूज की हमने दोनों ट्रायंगल्स में, जो एंगल इक्वल थे हमने उनकी वैल्यू पुट की और फाइंड किया। इक्वेशन 4 और 5 को 3 में यूज किया, 2 टाइम्स एंगल एसीडी प्लस 2 टाइम्स एंगल एसीबी 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बन रहे, एंगल बीसीडी, तो बीसीडी इज द राइट एंगल, यही हमें प्रूफ करना था।